जानवर का बहुत प्रेमी थे और जब वो छोटे थे उन्होंने 30-35 जो अनाथ कुत्ते होते हैं जंगली, जो हमारे सड़क पे जो कुत्ते मिलते हैं, उनको पाला था और पोसा था। यही कहा जाता है कि हर एक भगवान का सबसे प्रिय जानवर होता है, तो उस हिसाब से मैंने किया कि जानवर का सेवा बहुत जरूरी था। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी की तैयारियां गुजरात के जामनगर में चल रही हैं। अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट के साथ शादी होने जा रही है। इनका पूरा परिवार इन दिनों प्री वेडिंग सेरेमनी को लेकर उत्साहित है। इस बीच अनंत अंबानी ने वन्य जीवों के लिए स्थापित वन तारा के बारे में बताया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर है। इसके साथ ही अनंत ने बताया कि वो जामनगर में ही क्यों वेडिंग फंक्शन कर रहे हैं। अनंत अंबानी कहते हैं, मेरी दादी जामनगर के हैं, यहाँ शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका घर यहाँ है और हम भी गुजरात के हैं। शादी तो मुंबई में होगी लेकिन प्री वेडिंग यहाँ होगी। पशु पक्षियों के प्रति प्यार को लेकर वह कहते हैं, राधिका भी पशु प्रेमी है, अगर कोई जानवर बीमार होता है तो जो हमारे पशु वैद्य हैं उनसे बात करते हैं। हमने बहुत सारे हाथियों को रेस्क्यू किया जो राधिका को उनकी आवाज से पहचानते हैं। मेरी माँ नीता अंबानी मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा रही हैं। उन्होंने बचपन से ही हमें पशु पक्षियों के साथ प्रेम करना सिखाया। जब कबूतर मांझे से कट जाते हैं तो माँ उन्हें घर लाकर पालती है। जब मैं छोटा था एक बास का बच्चा झाड़ में गिर गया था, उसे भी माँ ने घर लाकर उसके बड़े होने तक पालन पोषण किया। वह कहते हैं, ये मेरा पैशन है, बेजुबानों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जानवरों की सेवा की यह सीख मुझे अपनी माँ से मिली। मेरी माँ ने जामनगर में 1000 एकड़ का जंगल खड़ा किया। उन्होंने जामनगर में टाउनशिप बनवाई जहाँ उन्होंने 8.5 करोड़ पेड़ लगाए। जामनगर में आज दुनिया का सबसे बड़ा आम का बगीचा है। मुझे बचपन से ही मेरे मम्मी और पापा, मम्मी बचपन से ही वो जानवर का बहुत प्रेमी थे और जब वो छोटे थे उन्होंने 30-35 जो अनाथ कुत्ते होते हैं जंगली, जो हमारे सड़क पे जो कुत्ते मिलते हैं, उनको पाला था और पोसा था। बचपन से ही मैंने ये काम चालू किया और जैसे कि हमारे धर्म में कहा जाता है कि जानवर, जो हिंदू धर्म में यही कहा जाता है कि हर एक भगवान का सबसे प्रिय जानवर होता है, तो उस हिसाब से मैंने किया कि जानवर का सेवा बहुत ज़रूरी था और बहुत सारे लोग मेरे जैसे सेवा कर रहे हैं और ऐसे ही और लोग करना चाहिए। मेरी प्रेरणा मेरी मम्मी थी और साथ साथ में जो हिंदू धर्म में दिखाया जाता है, सनातन में दिखाया जाता है, और उससे मैंने प्रेरणा ली और मैंने ये बनाया। और बूंद बूंद से सागर बनता है, जो आपने देखा ये तो हमने बहुत, और हर एक मनुष्य और हर एक मानव के मन में ये होना चाहिए कि हर एक जीव एक जैसा है, मनुष्य और आदमी में कोई फर्क नहीं है, एक है। तो ऐसे अगर सोच होगा तो मेरे हिसाब से सबको प्रेरणा मिलेगा और भारत एक विश्व में एक ऐसा एक केस स्टडी हो जाएगा जहाँ जानवर के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बता दें, मुकेश अंबानी की माँ कोकिला बहन धीरूभाई अंबानी एक मिडिल क्लास गुजराती फैमिली से थी। गुजरात के नवनगर राज्य में उनका जन्म हुआ जिसे अब जामनगर कहते हैं। कोकिला बहन 10वीं पास थी। उस जमाने में 10वीं पास होना ही बहुत बड़ी बात होती थी, वो भी एक लड़की के लिए। वह 21 साल की जब साल 1995 में उनकी शादी धीरूभाई अंबानी से हुई और वह पति के साथ मुंबई आ गई। कोकिला बहन एक ग्रामीण महिला थी और उन्हें ग्रामीण से शहरी महिला बनने का सारा श्रेय उनके पति धीरूभाई अंबानी को ही जाता है। उन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें अंग्रेजी की कक्षाएं लगाने के लिए प्रेरित किया ताकि भारत और विदेशी लोगों से बातचीत करने में उन्हें कोई समस्या ना हो। आज जहां भी जाएं, कोकिला बहन अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से सबको इम्प्रेस कर लेती हैं। गौरतलब है कि 1 मार्च से अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हैं। खबरों के मुताबिक कई दिग्गज सितारे इस फंक्शन में शामिल होंगे। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।